तो चलो हम जानते हैं इम्प्रेशनिज्म का अर्थ क्या है 1860 के दशक में फ्रांस में उत्पन्न होने वाली पेंटिंग में एक शैली या आंदोलन विशेष रूप से प्रकाश और रंग के स्थानांतरण प्रभाव के संदर्भ में क्षण के दृश्य प्रभाव को दर्शाता है इम्प्रेशनिज्म मीनिंग प्रभाववाद एक कलात्मक आंदोलन था रोजमर्रा के ज़िंदगी की सादगी से प्रेरणा ली 1874 में इस कला समूह की पहली प्रदर्शनी में एक कला समीक्षक द्वारा इम्प्रेशनिज़्म नाम दिया गया था प्रभाव बाद यानी इम्प्रेशनिज़्म के कलाकारों ने वस्तुओं पर एक प्रकाश के प्रभाव से संबंधित कला में एक शैली या आंदोलन का अनुसरण किया वे स्टूडियो से बाहर खुले हवा में पेंटिंग करने के लिए निकले वे अदृश्य ब्रह्मांड को जो महसूस कर रहे थे उसकी छाप बनाने के लिए तेज़ी से काम कर रहे थे इन कलाकारों ने स्वतंत्र रूप से और सहज रूप से प्रकाश और रंग के प्राकृतिक कभी बदलते प्रभावों को पकड़ने का प्रयास किया प्रभाववादी शास्त्रीय और आधुनिक चित्रकला के बीच एक प्रमुख विराम का प्रतिनिधित्व करने आए प्रभाववाद के लिए अधिकांश आंदोलनों की तरह पारंपरिक और अकादमिक मानकों के खिलाफ एक विद्रोह था जिसे हर युग में जानता है समर्थन प्राप्त होता है यहाँ कलाकार नदियों ताल बंदरगाह शहर के दृश्य और मानव रूपों जैसे विषयों के प्रति अधिक आकर्षित थे इस आंदोलन के कुछ अग्रणी कलाकार क्लाउड मने एडवर्डो मने अगस्ते रैनियर और एडगर डेगस थे प्रभाव बात का विस्तार और उनकी सीमाओं की अस्वीकृति दोनों था हालांकि पोस्ट इंप्रेशनिस्टों ने चमकीले रंगों को लागू करने वाले विशिष्ट ब्रश स्ट्रोक का उपयोग जारी रखा विषयों का चयन वास्तविक जीवन से था लेकिन उन्होंने अपने आंतरिक संस्करण की मानव भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जैमितियों रूपों या विकृत रूपों का अधिक महत्व तो दिया जॉर्ज ट और उनके फॉलोअर्स ने खुद को बिंदु बात के संबंधित किया रंग के छोटे बिंदुओं का व्यवस्थित उपयोग पाल सेजा ने पेंटिंग के लिए मात्रा और संरचना की भावना का परिचय दिया जबकि गोगा एंड विंसेंट वेनगॉ ने अपनी भावनाओं और मन की स्थिति को व्यक्त करने के लिए रंगों और ब्रश स्ट्रोक का इस्तेमाल किया तो हम जो ये पढ़ रहे थे अभी क्लाउड मोने के बारे में हम जान रहे थे कि इस इम्प्रेशनिज्म स्टाइल में उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग बनाए हैं जैसे वाटर लिली वाटर लिली द टाइटल इज वाटर लिली आर्टिस्ट क्लाउड मोने मीडियम ऑयल कलर्स, पीरियड 1899 स्टाइल इम्प्रेशनिज्म कलेक्शन नेशनल गैलरी लंडन सी दिस इज अ वाटर लिली पेंटिंग वाटर लिली के क्लाउड मोने ने बहुत सारे सीरीज बनाए थे वाटर लिली का सीरीज बनाए थे और कि जैसे नेचर को देखना देखने का मतलब नेचर का डेप्थ को समझना और ये पेंटिंग इतना सुंदर पेंटिंग बनाए हैं इन्होंने कलर के द्वारा इस नेचर को डेप्थ को समझाए हैं और लग रहा है कि कितने घने जंगल है सामने पानी है पानी के ऊपर छोटा छोटा लीली फ्लावर्स दिखाई दे रहा है जैसे पानी के ऊपर वो तैरता है और पीछे जो जंगल बनाए हैं जो पेड़ पौधे बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसको दिखाया गया है और ये ग्रीन कलर से ये तो ग्रीन कलर है वैसे भी बहुत सारे वाटर लिलीज का मैं दिखाऊंगी दूसरा पिक्चर भी उसमें बहुत सारे ऐसे दूसरा कलर भी है तो ये जो क्लाउड मोने का जो ये जो पिक्चर है इसमें एक चीज बहुत ही सुंदर है ये जो ब्रिज बनाया है उससे फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड बिल्कुल दिखाई दे रहा है क्लियर हो गया है सेकेंड थिंग इसमें बैलेंसिंग बहुत सुंदर है आगे पीछे का जैसे पानी है नीचे पानी को जिस तरह से उन्होंने दिखाया है लग रहा है बिल्कुल पानी है नेक्स्ट पिक्चर ये देखिए वाटर लिलीज का ये कलर कलर से किया वो तो वो भी कलर का है लेकिन उसमें ग्रीन और फ्लावर को छोटा छोटा डिफरेंट डिफरेंट कलर किया था लेकिन इसमें जो है इसमें पेड़ पौधे को भी डिफरेंट डिफरेंट कलर से बहुत सुंदर से सजाए हैं और ये कलर से आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि पेड़ पौधों में जैसे हम एक इसके पहले वाला जब देख रहे थे वाटर लिली वो भी सेम है लेकिन उसमें पेड़ पौधे का कलर ग्रीन दिखाया लेकिन इसमें पौधे का कलर को बिल्कुल चेंज कर दिया उन्होंने सो सेकेंड थिंग नेक्स्ट और एक पिक्चर है वाटर लिलीज का ये इसमें सिर्फ वॉटर एंड लिली फ्लावर को दिखाए हैं वाटर लिलीज की सीरीज उन्होंने बनाए हैं और इसमें ये तीनों पिक्चर में एक चीज बहुत कॉमन है स्काई नहीं है सो लेटेस्ट डिस्कस अबाउट द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वॉटर लिलीज ऑफ द पेंटिंग एमोंग द एंटायर इम्प्रेशनिस्ट क्लाउड मॉने वॉज द मोस्ट डेडिकेटेड एंड स्पॉन्टेनियस आर्टिस्ट टू कैप्चर इवर चेंजिंग मूड्स ऑफ नेचर He was born in Paris on 14th November 1840 most of his life he travelled tirelessly seeking new setting and effects of nature to paint he is widely regarded for his enchanting flower landscape river with boats seascape and rock coast he endlessly painted the wonderful water garden which gave him his final great public recognition. In the series of water lilies in 1899 to 1900, the Japanese bridge across the pond acted as the central features of the painting. In almost all these paintings, the sky was barely absent, but he fear, fearly, freely painted its brilliant, Reflection in many vibrant colors to add extraordinary depth. The fresh blossoms, lilies of various size, add to the beauty of the painting. So, water lily के बारे में हम बात कर रहे थे. तो original water lily हम आपको दिखाएंगे. तो ये water lily उन्होंने जो choose किया है, हो सकता है कि क्यों choose किया है? क्योंकि lily की प्रत्येक अलग किस्म का एक अलग अर्थ होता है लेकिन सबसे सामान्य अर्थ पवित्रता और उर्वरता है लीली के फूल की मधुर और मा, मासूम सुंदरता ने इसे नए जीवन और पुनर्जन्म का जुराब दिया है इम्प्रेशनिज्म एक आंदोलन है मूवमेंट है तो ये लीली फ्लावर शायद उन्होंने इसलिए यूज़ किए थे हो सकता है ये देखिए आपके सामने लिली फ्लावर का पिक्चर है बहुत ही सुंदर ओरिजिनल जो लिली फ्लावर हमें देखने को मिलता है ये है क्लाउड मॉनिज आदर वर्क दैट इज सनराइज सनराइज के बारे में हम अगर कहें तो ये प्रकाश और वातावरण की पेंटिंग है और एक पुनर्जीवित फ्रांस की शक्ति और सुंदरता के लिए एक स्रोत के रूप में भी दिखा जा सकता है ग्रे लाइट पूरे कैनवस को रोशन करती है और फिशिंग के दृश्य में मूड के लिए जिम्मेदार है क्योंकि फिशिंग के लिए एक मूड बनता है और वो मूड में ही वो फिशिंग बहुत मज़े से कर सकता है और उन वो काम में कामयाब भी होते हैं तो एक मूड बना देते हैं ये आर्टिस्ट ने मौने स्पष्ट रूप से बंदरगाह की स्थूलाकृति की तुलना में आकाश के रंग को अधिक रुचि रखता है यथार्थवादी उपस्थिति पर नहीं यह सर्वोत्कृष्ट रूप से एक छाप है नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मॉलिन देला गैलेट मॉलिन देला गैलेट आर्टिस्ट है ऑगस्टे रेनुअर दिस इज अ पेंटिंग इट्स अ टाइटल ऑफ द पेंटिंग मॉलिन देला गैलेट मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस पीरियड है 1876 स्टाइल है ऑफ कोर्स इंप्रेशनिजम मॉलिन सो सामान्य विवरण इस आ, पेंटिंग के बारे में हम जाने। रेनियर एक जानेच कलाकार थे उन्होंने 1876 में मॉलिन देला गैलथ को चित्रित किया पेंटिंग में जुवा लोगों का जीवन पिकनिक नृत्य और पार्टी का आनंद लेते हुए दिखाया गया है रैन्यर नरम भावुक और आकर्षक चित्रों के निर्माता थे पेंटिंग करते समय उन्होंने फरासी समाज के आंदोलन वातावरण और छवियों को दर्ज करने के लिए अपने तेज अवलोकन का इस्तेमाल किया इन्होंने फैशनेबल कपड़े पहने हुए आंकड़ों के मॉडलिंग को एकजुट करने के लिए बेगनी सफेद और नीले रंगों का इस्तेमाल किया उन उनकी रचनाएं पूरी तरह से संतुलित और सुखद रचनाओं को कोमलता और सामंजस्य दिखाती है रेनियर समूह रचना चित्र और महिला मॉडल अध्ययन को चित्रित करना पसंद करते थे वह आप अपने चित्रों को चित्र के माध्यम से जीवन के आनंद की छाप को संप्रेषित करने की विशेषज्ञ थे Now, we will discuss about the dance class. Dance class, it is a painting, artist Edgar Degas, Medium Oil on Canvas, period 1873 to 1876. Style, Impressionism, Collection, Museum of Art, USA. See, this is a painting, Edgar Degas's dance class. वॉल का कलर देखिए पहले इसकी वॉल का कलर में आपको पता लगेगा कि लाइट ग्रीन कलर का वॉल दिखाई दे रहा है और वॉल और फ्लोर मैं इसलिए बता रही हूँ कि दूसरा पेंटिंग जब हम दिखाऊंगी तो उसका भी वॉल कलर देखने से आपको पता लगेगा कि दोनों अलग अलग रूम पे हो रहा है क्योंकि एक डांस कलर के एक डांस स्कूल मानते हैं कि ये डांस क्लास हो रहा है तो ये एक रूम पे हो रहा है दूसरे रूम पे भी और एक होएगा तो शायद ये जो रूम है इसका कलर उन्होंने ग्रीन किया है दूसरा कलर भी उन्होंने डिफरेंट करेंगे शायद हम देखेंगे उसको तब हम मानेंगे तो अभी जो ये पेंटिंग पेंटिंग है उसमें डांस वहाँ पे जो बैले डांसर होते हैं वो इस कला इस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं और वो बैले डांसर बैले डांसिंग जब करते थे वो अपने टो के ऊपर जितना बैलेंस रख सकता है उसी तरह से वो डांस करते बैले डांसर डांस के बारे में भी हम जानेंगे कि आप किसके कहते हैं बैले डांस सो ये जो डांसर्स है वो किस तरह से डांस कर रहे हैं और टीचर वो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं देख रहे हैं उनको करेक्ट कर रहे हैं और कुछ लेफ़्ट में कुछ स्टूडेंट्स uh, वेट कर रहे हैं और राइट में कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं रेडी हो रहे हैं कि इसके बाद उनका मौका आएगा दूसरी रूम नेक्स्ट क्लास रूम ये है डांस क्लास का एन रूम देखिए आप इसको इस इस तरह से आप समझ सकते हो इसमें ऑपर टीम भी है इसमें गाना गा रहे हैं कुछ म्यूजिशियंस भी है और एक लड़की डांस कर रही है और दूसरी तरफ दूसरे साइड में भी और एक लड़की डांस प्रैक्टिस कर रही है हो सकता है वो भी इसके बाद उसको डांस करने का मौका मिलेगा एंड इसकी जो वॉल है वॉल का कलर दूसरा है लेकिन हमें क्यों ऐसे पता लग रहा है कि एक पूरा एक स्कूल है इसलिए पता लग रहा है कि आप देखिए इसकी जो छोटा सा एक दरवाज़ा दिखाया है दरवाज़ा की बैक साइड में दरवाजा की भीतर हम दिखाई दे रहा है एक और एक लड़की खड़ी है हमें उसकी जस्ट स्कर्ट दिखाई दे रहा है और दूसरे दरवाजा राइट साइड में जो दरवाजे हैं दरवाजे के उधर में कुछ लड़कियाँ वैसी वेट कर रही है कि वो भी उसका भी वहाँ पर अपना डांस क्लासेस चल रहा है इससे पता लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट रूम में डांस क्लासेस चल रही है सो विल डिस्कस अबाउट ऑफ द पेंटिंग द पेंटिंग डांस क्लास वॉज क्रिएटेड बाई अ फ्रेंच पेंटर डेगस बॉर्न इन पैरिस इन एटीन form nature. he was interested mainly इन ह्यूमन प्रेजेंस among his most notable achievements are his painting of ballet dancers in frill skirts practicing, getting ready or just revolving around the stage. his off-centered composition gave impression of spontaneity to capture gesture or a pose full of life. in most of his paintings he preferred to play with artificial light of the theater then to sunlight his most favorite medium was pastel sometimes he used different mediums in the same picture or else he would superimpose coats of pastel in order to obtain transparencies between layers other than painting degas also took up स्कल्पचर टू एक्सप्रेस रिदमिक मोवमेंट ऑफ डांसेस इन रियल स्पेस आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार